फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चावल के आटे की कचरी की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह दिखती हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इनको बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चावल का घोल बनाकर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने एक टिफ़िन के बराबर ले लिया है चावल का आटा। आप कोई कटोरी ले लें, कोई कप ले लें, कोई भी एक मेज़रमेंट बना लें। तो वो मैंने ले लिया है एक बर्तन में और अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसी टिफिन को पूरा भर के चार बार पानी। तो पहले मैं एक बार डाल रही हूँ और एक टिफिन भर के पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो चावल के आटे के लम्स तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ठीक है। अब मैं इसमें एक टिफिन पानी और डाल रही हूँ। और फिर हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे सारे लम्स को तोड़ते हुए। और अभी मैं डाल रही हूँ तीसरा टिफिन और ये चौथा। और बस इस घोल को हम रख देंगे गैस पर पकने के लिए। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और लगातार स्टर करते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे तो नीचे चावल का आटा चिपक जाएगा और जल सकता है। तो लगातार चलाते जाएं, बिल्कुल भी छोड़े नहीं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में इस तरह से ये ठीक होने लगा है। ये देखिए और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे। और अभी ये काफी थिक हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। आप चाहें तो इसमें जीरा या फिर कलौंजी या फिर रेड चिल्ली फ्लेक्स और हरी मिर्च, हरा धनिया, जो भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये सफ़ेद ही बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसमें सिर्फ अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, बिल्कुल 2 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये थिक हो गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा थिक ये गैस पे से उतारने के बाद भी होगा और हम इसको चलाना बंद नहीं करेंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसको नीचे उतार लें गैस पे से और इस तरह से चलाते रहें 3 से 4 मिनट तक। तो ये देखिए ये इस तरह की कंसिस्टेंसी पे आ गया है ठंडा होते होते। लगातार नहीं गिरेगा ये, थोड़ा सा रुक रुक के गिरेगा। तो ऐसी कंसिस्टेंसी पर हमको लाना है इसे। और टोटल इसको 12 से 13 मिनट लगे हैं मुझे पकाने में। इस बैटर की कचरी ठीक से बनेंगी या नहीं ये चेक करने के लिए आप इस तरह से प्लेट ले लें और उस पर थोड़ा सा बैटर इस तरह से डाल के देखें। अभी गर्म है, इसको हाथ से नहीं छुएंगे। तो ये देखिए ये फैल नहीं रहा है, वहीं जम जा रहा है। इसका मतलब ये जो बैटर है वो कचरी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि हम इसकी कचरी जो बनाएंगे वो हाथ से बनाएंगे। तो इसको पंखे के नीचे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो ये जमने लग जाएगा। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पॉलीथीन या कपड़े पर फैला सकते हैं। तो मैंने ले ली है एक थोड़ी सी बड़े साइज़ की थाली, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक पॉलीथीन और इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट थाली पर भी बना सकते हैं लेकिन निकालने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको पॉलीथीन पर बना रही हूँ। तो मैं इसको आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने ले ली है एक पॉलीथीन, ये चावल के आटे की ही है। आप चाहें तो नमक की पॉलीथीन वगैरह कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कोना इसका कट कर लेंगे और इसमें मैं लगा रही हूँ एक नोज़ल जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं। और इस पर हम डाल देते हैं बैटर इसके अंदर।
और इससे हम कचरी बना सकते हैं। आप चाहे तो बिना नोजल के भी बना सकते हैं, या जैसे हम मेहंदी की कोन वगैरह बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं इनको, किसी और शेप में अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे जलेबी वगैरह शेप में या गोल शेप में। और इस तरह से हम नोजल से बनाएंगे तो बहुत डिज़ाइन वाले और बहुत ही ब्यूटीफुल सी कचरी बनकर रेडी होंगी। और अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ, तो ये देखिए जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना वैसे ही हमको बिल्कुल बनाते जाना है। बहुत ही ईजी है इनको बनाना और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती हैं, जल्दी से बन जाती हैं। तो ये देखिए इतने आटे से बहुत सारी कचरी बनकर रेडी हुई हैं, दो ये थालियां भर गई हैं और इस तरह से ये पॉलिथीन में भी मैंने बना दी हैं। और बस इनको रख दीजिए सूखने के लिए। वैसे तो इनको छाया में भी सुखा सकते हैं, लेकिन इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर धूप में सुखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर धूप नहीं है तो आप 2-3 दिन इसको छाया में सुखा लीजिए और फिर धूप दिखा लीजिए, तो आप इनको साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए सूखकर तैयार हो गई है कचरी, और अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इनको फ्राई करने के लिए हमको तेल अच्छा गर्म चाहिए, लेकिन गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखें। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई हैं, दिख रही है ना बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी, और जितनी सुंदर ये देखने में लग रही हैं खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता लगती हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके घर में ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे आप उनको फ्राई करके खिलाएंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इनको कहाँ से लेकर आए हो, ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो देखिए ये दिखने में कितनी सुंदर लगती हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं खाने में। तो फ्रेंड्स आप इनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और अगर आपको आज की रेसिपी आई है पसंद तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।